ओसमो, तकाशी, अकीरा। वाह, तुम अभी तक बचे हुए हो, बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे ही लड़ते रहो। थैंक्स। हाँ, हम अभी तक मुकाबले में हैं। पर अब हम पहले जैसे कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो गए हैं। हाँ, और हम सभी मुकाबले जीत रहे हैं इस एंगल कंपास की वजह से। अब हमारे सामने कोई ब्लेडर नहीं टिक सकता, हम सबको हरा देंगे। हिम्मत है तो मैदान में आओ। क्या ये कोई जादुई लॉन्चर है? नहीं नहीं जिंगा, नहीं, एंगल कंपास, इनके पास है एंगल कंपास। क्या ये कोई खाने वाली चीज है? नहीं, मुझे नहीं लगता, अभी पता चल जाएगा। एंगल कंपास क्या है? एक एंगल कंपास तुम्हारी बेबलेट को एक सेट लेवल पर लॉन्च करने में मदद करती है। इसकी मदद से लॉन्च करते टाइम आप अपने एम को फिक्स कर सकते हैं। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ती है और ये नए ब्लेडर्स के लिए बहुत ही बढ़िया टूल है। अच्छा, मुझे इसकी जरूरत नहीं, इन्हें होगी। नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है, हम कोई नए ब्लेडर्स नहीं है, समझे तुम दोनों? तुम्हें नहीं पता कि एंगल कंपास कितनी कमाल की चीज है, इसलिए चुप हो जाओ। हमने इसकी मदद से बहुत सारे ब्लेडर्स को हराया है, तुमने हमारे मुकाबले नहीं देखे, ठीक है? तुमने बाकी ब्लेडर्स को स्टेडियम या फिर नॉर्मल ग्राउंड पर हराया होगा, मैंने ठीक कहा ना? दुख की बात है मेरे दोस्तों, ये स्टेडियम नहीं सर्वाइवल बैटल है, तुम्हारी कंपास यहाँ काम नहीं आएगी। क्या ये सच है? मुझे नहीं पता। इसकी बातों में मत आना दोस्तों, ये बस हमारा ध्यान भटकाना चाहता है क्योंकि इसे हमारे एंगल कंपास से डर लगता है। मैं समझ गया। ठीक कहा, ये दोनों हमसे डर गए हैं क्योंकि ये दोनों हमसे जीत नहीं सकते। हमारा सपना मत भूलो, ओटा लैंड। कंपास, कंपास, कंपास। हे, यहाँ मस्ती करने आए हो क्या? गाना गाना बंद करो और हमसे मुकाबला करो। सॉरी, चलो मुकाबला करते हैं। तो पहले तुम ही जाओ सामू, अगर तुम जीते तो पार्क का नाम ओसामू लैंड ही रख देना। कंपास से इसको हरा सकता हूँ। कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। मैं क्या करूँ, जल्दी बताओ। यहाँ बैठकर मुकाबला देखो, हम इसे एक झटके में हरा देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। जिंका और किओया, मैंने तुम दोनों के बारे में बहुत सुना है, सब कहते हैं तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ये मैच बहुत मजेदार होगा। मैं कब से तुमसे मैच खेलना चाहता था। जानकर खुशी हुई। बहुत बढ़िया, चलो मैच शुरू करें। नहीं बच्चे, मुझे चिंगा से मुकाबला करना है, मैं यहाँ तुमसे या किसी और से मुकाबला नहीं करने आया हूँ। ओ अच्छा, क्या तुम मुझसे डर गए हो? क्या कहा तुमने? कोई बात नहीं, मैं समझ गया दोस्त, तुम डरो मत, मैं जिंगा को पहले ही हरा दूंगा। जिंगा, तुम तो नहीं भागोगे ना? नहीं, कभी नहीं। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, तुम सबसे बढ़िया प्लेयर हो। अगर मैं जीत गया तो यो यो जिंगा के साथ मैच नहीं खेल पाएगा, तुम दुखी मत हो ना यो यो। तुमने यो यो किसको बुलाया? तुम्हें दूसरे ब्लेडर्स की इज्जत नहीं करनी आती। चलो ठीक है बच्चे, तुम्हें सबसे पहले मैं ही हराऊंगा। और आज मैं यहाँ आपको बैटल ब्लेडर्स की ताज़ा खबरें सुनाने आया हूँ, तैयार हो जाओ। आज यहाँ पर आए हैं एक खास गेस्ट, सबसे फेमस ब्लेडर जो कि अब तक एक भी मैच नहीं हारा है, जिंगा आ जाओ। जिंगा, हे केंटा, कैसे हो दोस्त? हे बेंके, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। जिंगा प्लीज बैठ जाइए, सब बोरिंग हो। हे हट जाओ, टाइम बहुत कम है। बस बहुत हो गया, हमें शो आगे बढ़ाना है। चलो मेरे सवालों के जवाब दो, तुम्हारी स्ट्रेंथ का क्या राज है? बर्गर्स। मडोका के हाथ के बर्गर्स खा के मुझे पावर मिलता है। हे मडोका, जब मैं वापस आऊंगा प्लीज मेरे लिए बर्गर्स बना कर रखना। ओ जिंगा, कितना एम्बैरेस कर रहे हो, अपना इंटरव्यू दो ना। खास तौर पर वो वाला जिसने तीन पैटीज और मैं। अब जिंगा की इंटरव्यू यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। अब सुनिए टूर्नामेंट की ताजा खबर।